आप अगर बस ट्रेन ऑटो में सफर कर रहे हैं और आपका ध्यान जाए कि आपका बटुआ आपका फोन चोरी हो गया है, तो आप समझ जाइए कि वो चोरी किसी पाकिस्तानी ने किया होगा। आप सड़क के किनारे अपना साइकिल लगाकर या अपना मोटरसाइकिल लगाकर अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं और आप पीछे मुड़ते हैं, आप देखते हैं कि आपका साइकिल आपका मोटरसाइकिल गायब है, चोरी हो गया है, तो समझ जाइए कि वो चोरी किसी पाकिस्तानी ने किया होगा। अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए और आप अपना चप्पल आप बाहर खोल कर जाते हैं और जब आप पूजा पाठ करके वापस लौटते हैं आपका चप्पल गायब हो गया है, चोरी हो गया है, तो समझ जाइए कि वो चोरी किसी पाकिस्तानी ने किया है। आपका बच्चा अगर 10 20 50 रुपए लेकर सामान खरीदने दुकान पर जाता है और रोते रोते घर आता है, पता चलता है किसी ने उसका पैसा चुरा लिया, तो समझ जाइए कि वो पैसा किसी पाकिस्तानी ने चुराया है। आप अगर बस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको अगर कोई भीख मांगता हुआ नजर आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो भीख मांगने वाला इंसान एक पाकिस्तानी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सामने अगर आपको कोई भीख मांगता हुआ नजर आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो भीख मांगने वाला शख्स जो है वह एक पाकिस्तानी है। कभी मौलवी, कभी पुजारी और कभी क्रिश्चियन बनकर अगर आपके द्वार पर कोई भीख मांगने जाता है, तो समझ जाइए कि वो एक पाकिस्तानी है। सड़क पर चलते हुए आपसे अगर कोई ये कहे कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ रुपए दे दो, कुछ पैसे दे दो, ऐसा कहकर आपसे कोई अगर भीख मांगता है, तो आप समझ जाइए कि वो एक पाकिस्तानी है। अब आपको हम पे गुस्सा आ रहा होगा कि हम पाकिस्तानी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर पाकिस्तानी सुन लेंगे तो फिर वो मेरा जीना हराम कर देंगे। तो नहीं, आप गलत हैं। ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें खुद पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तानी आवाम जो है और एक रिपोर्ट जो कि ऑथेंटिक रिपोर्ट है, पूरी दुनिया ऐसी बातें कह रही है, केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या चिल्ला रही है, अपने तारीफ में कितनी लतीफे पड़ रही है, ये आप खुद पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से सुन लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे। हरम से पकड़े जाने वाले जेब कतरों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के सेक्रेटरी राणा महमूद उल हसन का इंकशाफ, चेयरमैन मंजूर काकड़ के जेर सदारत इजलास में राणा महमूद का कहना था कि ये लोग ज्यारत पर भीख मांगने जाते हैं, ज्यादातर उमरा वीजा पर होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं कि आप आदि मुजरिम भेजते हैं। राणा महमूद उल हसन ने कहा कि हमारे वजीर आजम भी जाते हैं तो समझा जाता है मांगने आए हैं। जराइम पेशा अफराद ने बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानियों को बताया गया है कि सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी फकीर दर्द-ए-सर बन गए हैं। उन ममालिक में 99% गिरफ्तार फकीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। सेक्रेटरी ओवरसीज ने बताया कि हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। और अहम खबर यह भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं, बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी नौशीन जी बिल्कुल, समंदर पार पाकिस्तानी कमेटी का इजलास मंजूर काकड़ की जेर सदारत हो रहा था, जिसमें सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने बताया कि हमारे फकीर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं और जितने फकीर बाहर बैरून मुल्क खुसूसन अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, वजीर बताया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं, पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, ज्यारात पर भीख मांगते हैं और भिखारी जो है ज्यादातर उमरे वीजे पर जाते हैं, ये जो है वर्क वीजा पर नहीं जाते। जबकि जब सवाल किए गए कि पाकिस्तान जो है दुनिया में जो ममालिक है खुसूसन जापान में पाकिस्तानियों की तादाद जो अरब ममालिक में भी जो बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंद अफराद है उनकी तादाद पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है, तो उसको उन्होंने ये बताया कि हमारे स्किल्ड लोग नहीं है। तो देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया कितने शानो शौकत से कितना चिल्ला चिल्ला कर यह बता रही है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भिखमंगे और सबसे ज्यादा चोर है। जी हाँ, जहां आज पूरा विश्व जो है वह पाकिस्तानी चोरों और पाकिस्तानी भिखमंगों से जो है वह परेशान है, यह बात मीडिया चिल्ला चिल्लाकर पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्लाकर पूरे देश को पूरे संसार को बता रही है। इनको बताने में थोड़ा सा भी शर्म भी नहीं आ रहा है कि ये अपने पाकिस्तानी आवाम का ही गुणगान कर रहे हैं, उसको विश्व पटल पर अपने ये इमेज ये लोग रख रहे हैं पाकिस्तानी आवाम का। सोचने वाली बात है, आप पाकिस्तान और हम भारतीय एक ही दिन आजाद हुए थे, आज हम कहाँ हैं और आप आज कहाँ हैं।
जहां आज पूरा विश्व जो है हमारे चांद पर पहुंचने का जश्न मना रही है और गौरव कर रही है, वहीं आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे विश्व की नजरों में जो स्थान है वो आप खुद देख रहे हैं। आपका इमेज एक चोर और एक भिखमंगे की बन गई है। आपका जो ये इमेज बना है, आपका जो ये आज स्थिति है, वो केवल इसीलिए है कि आप दूसरे धर्म का कभी भी सम्मान नहीं करते हैं। आपके लिए दूसरे धर्म के लोग जो हैं वह काफिर हैं, और जहां काफिर देखिए उनको मार दीजिए। जब तक आपके मन में, जब तक आपके संस्कार में मानवता नहीं आएगी, दूसरे के लिए सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये आपको बात समझना चाहिए। बहुत दिन कर लिया पाकिस्तानियों अपने नफरत का राजनीति, नफरत का जो बीज है वो आपने बहुत ज्यादा बोल लिया। अब आप आइए इंसानियत की तरफ, तभी आपका भला होगा, तभी आपका इमेज जो है वह पूरे विश्व पटल पर जो है वो अच्छा बनेगा। इससे आपको शर्म आनी चाहिए कि आज आपका इमेज क्या हो गया है, भारत कहाँ पहुंच गया, आप कहाँ हैं अभी। आप बस केवल आतंकवाद और जिहाद में ही आप अटके हुए हैं, इसके अलावा आपको कुछ सोचता नहीं है। पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा देखकर दोस्तों आपके मन में क्या ख्याल आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।